नमस्कार, मैं सुरेश नायक और आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारी मौजूदगी गौरा शक्ति पंचायत के मुखिया प्रत्याशी बिंदेश्री महतो जी की यहाँ, आइए उनसे बात करते हैं किन किन मुद्दों पे चुनाव मैदान में है और क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र के जनताओं से। पहले जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है सर। आपका क्या नाम है? बिंदेश्वरी महतो। किन किस पद पे आप नामांकन करवाए थे? मुखिया पद से। किन किन मुद्दों पे आप अपने पंचायत में किन किन मुद्दों पे लेके? देखिए, यहाँ ढेर सारी मुद्दाएं हैं, एक मुद्दा नहीं, बहुत सारी मुद्दाएं हैं। कन्या विवाह है, नल जल योजना है, किसान का योजना है, गरीबी रेखा है, राशन कार्ड का मुद्दा है, और क्या कहते हैं, किरासन तेल का मुद्दा है, रोड पैरा का मुद्दा है, बहुत सारी ढेर मुद्दाएं हैं। बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार को मिला के 481 योजना रन कर रहा है बिहार में जी। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि खगड़िया और बिहार के अंदर 25 या 30 या 35 मुद्दाएं ही चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में यहाँ कुछ कहना मुश्किल है कि किस मुद्दा को छोड़ें। जब प्रशासन सारी मुद्दा को छुपा के रख लिया है जी, जो चला नहीं रहा है लोगों के बीच, तो क्या कहा जाए। वैसे निरीह व्यक्ति के लिए जो सर्वसे खत्म है, जो बकरी का चरवाहा है, उसके लिए मुफ्त में बकरी दिया जाता है, वो भी नहीं है, तो क्या कहें। तो जितनी समस्या है कि मैंने सबसे पहले तो किसान का हालत दर्दर हो गया है कि धान रोपा और वह भस गया पानी में। दूसरी बात है कि स्कूल शिक्षा विभाग जो है वो भी ध्वस्त है। तीसरा है स्वास्थ्य विभाग, वो भी ध्वस्त है। लोग मेडिकल में जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, इसकी सारी समस्याएं दूर है। हॉस्पिटल में कोई देखने सुनने वाला नहीं है, दवा है नहीं, दवा को चौंप के रखता है और जो नाली में बिक देता है बाद में। सिटिंग प्रत्याशी जो थे 5 वर्षों तक, उनका क्या विकास कहाँ तक संभव हुआ? सिटिंग प्रत्याशी अभी जो था मनोज शाह जी हैं, उनका तो काम जो भी हुआ अपने गाँव में क्या किए नहीं किए, कोई काम तो उनका पंचायत के जैसे है। इसमें है 6 गो गांव, मैसौरी 1, बगडोब 2, चतरा 3, घराड़ी 4, गौड़ा 5, नामगंज 6, और इस 6 में से 5 में इनका कोई कार्य नहीं रहा, टोटल नगण्य हो गया, जिससे लोग तंग और तबाह हो गए। सारी योजनाओं को क्या किया उसके ऊपर, तो हम कहते हैं इनके पहले इनकी पत्नी थी मैं दुर्गा देवी, उसमें हम 40 लाख का घोटाला ठोके हैं उन पर, जो अभी कोरोना काल में जो पेंडिंग पड़ गया, चूँकि इसको यहाँ से लेते जाते हम जाते हैं पटना से लाए हैं, आदेश जांच के लिए सीए को जांच दिया गया है, तो सीए को जांच देने के बाद उसके तो कोरोना पकड़ा गया, इसमें अभी चुपचाप हम बैठे हुए हैं। और मनोज जी के रिजिम में भी बहुत पैसा और फिर हुए, जो तो अभी देखे नहीं हैं, तो देखना पड़ेगा, तब यही सब स्थिति है। अगर आपको जनता जीत की मुकुट पहनाते तो सबसे पहले विकास का क्या मुद्दा होगा? हम सबसे पहले किसान की मुद्दा को उठावेंगे, स्कूल की मुद्दा उठाएंगे और स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे पहले लेंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि अगर आम जनता का जो प्रेम और भाव और स्नेह जो रहा और जो प्रयास जनता हमारे साथ कर रहा है, उसके साथ अगर तमाम जनता का हमारे जीतने के बाद भी सहयोग अगर साथ मिलता रहा, तो हम इस कीचड़ रूपी पंचायत में जो है कमल खिलाने का काम करेंगे और इस पंचायत को जो है सो हम बाजार में परिणत करके रोशनी से चकाचौंध कर डालूंगा। आपको कितना परसेंट उम्मीद है जो आपको जनता? हम अभी 80% पर चल रहे हैं कि 80% हमारे मत में है, बुद्धिजीवी नौजवान और सशक्त महिला सारे लोग मिला के 80%।